मैंने कहा था ना इस मैटर से दूर रहना। उन लोगों को पता चल गया कि वो आग मैंने लगवाई है तो मुझे कबूतर रेसिंग से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है, पागल है क्या? कहा था हम सबको फंसा देगा। ए, चिल्लाना बंद कर। सिर्फ मेरी वजह से तुम आज इस पोजीशन तक पहुंच पाए हो। ऐसा क्या रखा है इस रेस में? खामखा बात का बतंगड़ बना रहा है। तू ये बात नहीं समझ पाएगा, ये हमारे पुरखों के जमाने से चला आ रहा है। तू अब से इसके ऑर्डर्स मानेगा? भाई हाथ मत उठाओ। खामखा आप हीरो बनने की कोशिश मत करो, असली हीरो तो अर्जुन सर हैं। ओ तो अब तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो, गधे कहीं के। जानते हो मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है? मारी के कबूतरों को हाथ लगाकर बहुत बड़ा रिस्क लिया है। कैसा रिस्क, क्या कर लेगा वो? वो सिर्फ एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहा था और तुमने उसे वो दे दिया है। वो कभी भी हमला करेगा। इसमें कोई गलती नहीं हमारी। मारी उसको मत मारो। तो पुलिस वाला है यही सोचकर अपुन अब तलक चुप बैठा था, लेकिन तूने अपुन के कबूतरों को मारा तो अपुन ने भी तेरे को काट डालने की सौगंध खाई और हिसाब चुकता करने के लिए इधर आ गया। मारी मुझे माफ कर दे। मेरी बात तो सुन। रुक जा मारी, रुक जाना, मेरी बात तो सुन। मैंने उस पुलिस वाले को मना किया था लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उन पिंजरों को जलाने में मेरा कोई हाथ नहीं था। उसने आज तक जितने भी गलत काम किए मैं उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। अपन तो फरिश्तों पर यकीन नहीं करता तो शैतान पे कैसा करेगा? गवाही देगा? तू मुझे जेल भिजवाना चाहता है? इसे मारकर मैं यह साबित कर दूंगा कि तूने बदला लेने के लिए इसे जान से मार दिया। या!
ये क्या किया गया साले? मैंने कहा था ना इस पे भरोसा मत करना। चलिए भाई उठिए। सर आप ठीक तो है ना सर? फिर से बोल, जो हर बार बोलता है कि काट डालूंगा। देख मैंने तेरा ही पत्ता काट दिया, अब सारी उम्र तू जेल में सड़ेगा। ए, लेके जा साले को। ए, क्या कर रहे तुम लोग? इसने तो हमारी मदद की थी, मुजरिम तो वो है, पकड़ो उसे। हे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। सर आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो? बस कर अपना नाटक, तुम्हारे खिलाफ हमें सबूत मिला है। मेरा एक आदमी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आ चुका है, खोई हुई पावर मुझे वापस मिल जाएगी। बस एक ऐसा विटनेस चाहिए जो अर्जुन के काले धंधों की सारी पोल पुलिस और कोर्ट के सामने खोल सके। विलु भाई, आप और मारी भाई मेरे साथ हैं तो मैं कोर्ट में सब कुछ बताने को तैयार हूँ। क्या बोला तू? आप उनका पत्ता काटेगा? मस्त रैपचिक डायलॉग था, मजा आ गया। और सुन, गलती से जेल के बाहर मत आना, अंदर ही रहना, तू उधर ही सेफ रहेगा। डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि तुम अच्छे हो या बुरे। इसमें डिसाइड क्या करने का? आपुन तो बुरा ही चे। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो कभी भी बुरे बन सकते हैं। और जो बाहर से अच्छे दिखते हैं और दिल के बुरे हो, उनसे डर लगता है। लेकिन जो ओपनली कहे कि मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन हो वो दिल का सच्चा, दिल उसे देना चाहिए। जैसे कि तुम। मतलब क्या है तेरा? मतलब पहले मैंने जो तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, तो अब जो मैं तुम्हें जान गई हूँ, अब जो भी कहूंगी सच कहूंगी। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अरे नहीं मैडम, भाड़ में गया प्यार व्यार, ये लव वो के कैरेक्टर में अपन सूट नहीं करता है। अपन के पास अपन के ये कबूतर है, दो फंटर लोग हैं और परेशान करने के लिए गांव वाले है ना। अपन एकदम हैप्पी और जॉली कैरेक्टर है, एक काम हो सकता है, तू बोलेगी तो अपन फ्रेंडशिप रखने को तैयार है। ओके बाय। ए भाई, ये सेल्फी निकलना अपन लोग का, इधर हाथ दोनों का, इसी नीचे रख। ए डाल चादर डाल। मारी, अर्जुन के जाने के बाद एरिया में कितनी शांति हो गई है ना। एक बात कहूँ मारी, बिना प्रोटेक्शन मनी दिए जो खुशी मिल रही है ना, वो हम सबके चेहरे पर दिख रही है। इस सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें मारी, हमें समझ में नहीं आ रहा है। बंडल मार रहा है।
आप उनके जेल में रहने से आप उनके धंधे का जो नुकसान हुआ, तुम लोग को जेल से छुड़ाने का जो खर्चा हुआ, इतने टाइम से जो प्रोटेक्शन मनी तुम लोग ने नहीं दिया, प्लस सर्विस टैक्स और स्वच्छता टैक्स, कितना मरे? 7 लाख। पूरा 7 लाख देने का है। अगर ये पैसा तुम लोग आप उनको सही तरीके से नहीं देगा तो दूसरे तरीके से वसूल करेगा। ये क्या बोल रहा है? जय कबूतर। फिर करीना मारी ने कॉमेडी। इसकी ट्रेजेडी है। आपुन सीरियस बात कर रहा है और तेरे को कॉमेडी लग रहा है? एक महीने में पैसा आपुन के अकाउंट में ट्रांसफर करने का, वरना तेरे को हम लोग ट्रांसफर करवा दूंगा, समझा? चल निकाल। तो मारी तो फिर से गुंडागर्दी पर उतर आएगा क्या? आपुने कभी शराफत का ढोल पिटाया क्या? मारी गुंडा था और गुंडा ही रहेगा।